गाइस त्योहारों के इस सीजन पर आप अपने घर का कोई ना कोई जरूरी सामान लेना चाहते होंगे, लेकिन पैसों की कमी की वजह से आप अपने घर का कोई भी जरूरी सामान नहीं ले पा रही है। तो गाइस अगर आपको भी दिक्कत है ये, आपके पास पैसे नहीं है, तो बना लीजिए Amazon पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड। जी हाँ गाइस, Amazon अपने कस्टमर को देता है Amazon पे क्रेडिट कार्ड, जो आप बनवा सकते हैं घर बैठे विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ गाइस, आपको यहाँ पर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं देने होते हैं, केवल आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल देने के बाद आप यहां पर घर बैठे बना सकते हैं Amazon पे क्रेडिट कार्ड। मैं आपको यहां पर आज लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कैसे आप Amazon पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं इस 2022 के अंदर। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं Amazon पे क्रेडिट कार्ड, अपने पास रख लीजिए आधार कार्ड पैन कार्ड, और आपको यहां पर जो है वो मोबाइल नंबर भी अपने पास रखना होगा जो आपके आधार कार्ड के साथ में लिंक होगा, क्योंकि आपके आधार कार्ड से यहां पर KYC होती है। उसके बाद गाइस आपको Amazon पे एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, अगर आपके पास पहले से है तो उसको एक बार अपडेट जरूर कर लेना। एप्लीकेशन जब आप अपडेट कर लेंगे, ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद गाइस जो एप्लीकेशन है उसका इंटरफेस आपको यहां पर कुछ ऐसा दिखाई देगा जैसा अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और ये तो गाइज आप सभी को पता है कि अभी फिलहाल जो है दीपावली की सेल चल रही है, यानी कि जो साल की सबसे बड़ी सेल होती है Amazon पर Flipkart पर, वो अभी स्टार्ट है। और यहाँ पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल अभी लाइव है Amazon पर, और यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड मिलने के चांस 100% हो जाते हैं, क्योंकि गाइस सेल अभी लाइव है और यहां पर Amazon अपने कस्टमर को Amazon पे लेटर Amazon पे क्रेडिट कार्ड के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑफर करता है। तो गाइस जब आप अपने Amazon पे एप्लीकेशन ओपन करेंगे, इंटरफेस आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, सेल अभी लाइव है, अगर आपके पास पहले से क्रेडिट कार्ड है तो मजे लीजिए, अपने क्रेडिट कार्ड के नहीं है तो गाइज आपको क्या करना है, नीचे थ्री डैश पर क्लिक करना है। यहां पर आने के बाद आपको जाना है पे के अंदर, Amazon पे के अंदर, और जैसे ही आप Amazon पे के अंदर आएंगे यहां पर आपने थोड़ा सा स्क्रोल लेफ्ट करना है, और यहां पर आपको देखना है Amazon पे ICICI क्रेडिट कार्ड के लिए आपको यहां पर ऑफर कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आप डायरेक्टली सर्च करके Amazon पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस मुझे यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफर किया था और मैंने उसको अप्लाई कर लिया, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे पास है, और अभी मुझे यहाँ पर बोले कि भाई शेयर इनकम डॉक्यूमेंट्स, यानी यहाँ पर आपको इनकम डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं। गाइस इनकम डॉक्यूमेंट्स में आप अगर सैलरी है तो सैलरी स्लिप देनी होगी, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको ITR यहाँ पर देनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको पहले डिटेल बताता हूँ, उसके बाद आता हूँ कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देख गाइस यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर अभी ग्रेट इंडियन सेल अभी यहाँ पर लाइव है, और यहाँ पर ये बोल रही कि भाई आप बना लीजिए Amazon पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड होगा तो बेनिफिट आपको यहाँ पर भाई अनगिनत मिलने वाले हैं, बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या क्या ऑफर आपको मिलते हैं, 365 दिन गारंटीड कैशबैक का आपको यहां पर ये वादा करता है, 3% कैशबैक आपको मिलेगा आप अगर शॉपिंग करेंगे Amazon पर अगर आप प्राइम मेंबर नहीं है, 2% कैशबैक आपको मिलेगा पेमेंट करने पर, रिचार्ज करने पर, ठीक है। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, कोई ज्वाइनिंग फीस कोई एनुअल फीस यहां पर नहीं है, अगर आप अभी अप्लाई करते हैं भविष्य में हो सकता है हो जाए। यहां पर गाइस वेलकम रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, 2200 रुपए के वेलकम रिवॉर्ड्स आपको यहां पर मिलेंगे अगर आप ये अभी अप्लाई करेंगे। और गाइस देखिए अगर आप यहां पर चेक एप्लीकेशन स्टेटस का मेरे लिए टैब दिखाई दे रहा है, और आपको यहां पर अप्लाई का टैब दिखाई दे रहा होगा, नो कॉस्ट EMI का आपको यहां पर ऑफर मिलता है। जी हाँ गाइस इस कार्ड का फायदा यही है, अगर आप शॉपिंग करते हैं Amazon पर तो भाई 365 दिन के लिए नो कॉस्ट EMI पर आप 10 करोड़ ज्यादा से प्रोडक्ट है जो ले सकते हैं अपने इस Amazon पे क्रेडिट कार्ड से, तो ये बेनिफिट सबसे बड़ा है इसका। अगर आपके पास ये कार्ड होगा 0% इंटरेस्ट पर कोई प्रोडक्ट इजी EMI में आप ले पाएंगे Amazon पर, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, प्रोटेक्टेड बाय ICICI Amazon एंड वीजा सिस्टम। तो यहां पर क्या है गाइस, Amazon ने ICICI बैंक के साथ टाइप किया है, ये क्रेडिट कार्ड आपको ICICI बैंक देगा, ठीक है, ये एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। कैसे ही अप्लाई कर सकते हैं, देखिए गाइस केवल और केवल 3 स्टेप में आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ अप्लाई करके दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहना। देखिए सबसे पहले तो अपनी डिटेल एंटर करनी होगी, उसके बाद KYC करनी होगी आपको यहां पर, और लास्ट में आपको यहां पर जो है कार्ड बन जाएगा भाई, केवल वीडियो KYC करने के बाद में। तो चलिए हम यहां पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं, जैसे ही हमने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया यहां पर ये बोल रहे कि भाई अभी आप यहां पर अपना आधार कार्ड का नंबर और पैन कार्ड का नंबर डाल दीजिए, क्योंकि अभी आपको यहां पर अपने आधार कार्ड से KYC करनी होगी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आप पहले से ICICI बैंक के कस्टमर है, आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, तो आपको और भी जल्दी कार्ड मिलने के चांस यहां पर हो जाते हैं ये वाला कार्ड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आधार कार्ड के नंबर डाल दिए, पैन कार्ड का नंबर डाल दिया, चलिए कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद मेरे पास एक OTP आएगी मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जो मेरे आधार कार्ड के साथ में लिंक होगा, सेम आपके साथ भी होने वाला है, ठीक है। मैं जो भी दिखाता हूँ आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ।
आप मुझे हेल्प नहीं करते। हेल्प कैसे करना है, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं आपके लिए लेकर आऊँ, ठीक है। और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो देखिए ओटीपी मैंने डाल दी और यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, कांग्रेचुलेशंस मोहम्मद, 100% पेपरलेस प्रोसेस विद नो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। मुझे यहाँ पर बोल रहा है कि भाई आप एलिजिबल है 100% पेपरलेस प्रोसेस के लिए, आपसे हमें कोई केवाईसी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, क्योंकि गाइज मैं पहले से आईसीआईसी बैंक का कस्टमर हूँ और मेरी डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुके हैं, मेरा नाम आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ, मेरा जो ईमेल आईडी पहले से लगी हुई है वो यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसने निकाल लिया कि आपके पास ऑलरेडी कार्ड है, टेंशन फ्री हो जाइए, आपसे हम केवाईसी डॉक्यूमेंट्स नहीं लेंगे, बस आप यहाँ पर अपनी अपनी मदर नेम और एक रेफरेंस मोबाइल नंबर यहाँ पर दे दीजिए और कंटिन्यू कीजिए। तो गाइज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ अभी कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद गाइज यहाँ पर क्या होगा, आगे जब बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर अभी हमें जो है अपना जो कंप्लीट एड्रेस है वो डालना होगा, जो हमारी कंपनी का एड्रेस है, ठीक है, यानी ऑफिस एड्रेस डालना होगा और चूज करना होगा हम सैलरीड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। ये दो स्टेप मेरे से करा रहा है, आपसे तीन स्टेप कराएगा क्योंकि आपको वीडियो केवाईसी भी यहां पर करनी होगी, ठीक है। तो यहां पर मैं अपना कंपनी का एड्रेस डाल रहा हूं, कंप्लीट जो मेरी कंपनी का एड्रेस है, और उसके बाद मैं यहां पर कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। तो कंटिन्यू करने के बाद गाइस जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर ये पूछेगा भाई अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है आप तो आप यहां पर अपने इनकम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए, यानी आईटीआर अपलोड कर दीजिए। लेकिन यहां पर उससे पहले पूछ रहा है कि भाई आप जो ये कार्ड है कहां पर मंगवाना चाहते हैं, आपने ऑफिस एड्रेस पर या रेजिडेंस एड्रेस पर, जो पहले से सी केवाईसी रिकॉर्ड में है मेरा, ठीक है। तो यहां पर मैं मंगाऊंगा अपने ऑफिस एड्रेस पर और मैंने इसको कर दिया कंटिन्यू, ठीक है। ये चूज करने के बाद कंटिन्यू कर दिया, प्लीज वेट का ऑप्शन यहां पर आ रहा है और यहां पर जैसे मैंने किया तो गाइस देख सकते हैं यहां पर बोल रहा है कि भाई अभी आप जो है यहां पर इनकम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए, यानी आप पिछले एक साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल यहां पर अपलोड कीजिएगा। तो गाइस मैंने यहां पर अपने इनकम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, देख सकते हैं यहां पर मुझे एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल चुका है, ठीक है, और बोले थैंक यू मोहम्मद नईम, आपने एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट कर दिया, आप ट्रैक माय एप्लीकेशन पे क्लिक करके ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी आपको यहां पर मैं दिखाता हूं अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है। तो एप्लीकेशन मैंने सबमिट कर दी, सबमिट करने के बाद देख सकते हैं यहां पर शेड्यूल केवाईसी चेक स्टेटस बाय क्लिकिंग बिलो, यहां पर ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो आपको सिंपल से काम करना है, चेक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना होगा, और जैसे ही आप चेक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी जो आपका रजिस्टर्ड होगा, जो आपने उस टाइम रजिस्टर्ड कराया होगा यहां पर, ठीक है। और यहां पर रजिस्टर्ड कराने के बाद वो ओटीपी आपको यहां पर डालनी होगी, ठीक है। तो ओटीपी मेरे पास आ चुकी है, ओटीपी मैं डाल देता हूं 54 51 09 54 51 09। गाइज मैंने यहां पर ओटीपी डाल दी, चलिए वेरीफाई करता हूं, और वेरीफाई करने के बाद गाइज अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो देखिए गाइज जैसे हमने स्टेटस चेक किया यहां पर देख सकते हैं एप्लीकेशन हमारे रिसीव्ड हो चुके हैं और हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है अभी वेरिफिकेशन के लिए गए हुए हैं, ठीक है। यहां पर देख लीजिए अभी डॉक्यूमेंट्स हमारे वेरीफाई होंगे, उसके बाद एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस चली जाएगी और लास्ट में कार्ड अप्रूवल हमारा हो जाएगा अगर हम एलिजिबल होंगे कार्ड के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है तो जल्दी जाकर अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड जाकर अप्लाई कर लीजिए, जल्दी आपको मिलने के चांस यहां पर हो जाते हैं, ठीक है, अगर आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है और आप एलिजिबल हैं तो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले क्योंकि मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लेकर आते रहता हूँ। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए बस इतना ही।